हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, हम लोग का JAC झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। तो समझ लेते हैं क्या है सूचना। जैसे देख पा रहे हो, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में जो होगा, सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं हेतु आयोजित होने वाले देखो आकांक्षा परीक्षा 2024 से संबंधित आवश्यक सूचना है। तो देख पा रहे हो आप लोग, जो आकांक्षा परीक्षा होता है उससे रिलेटेड ये नोटिस है। तो समझ लेते हैं, तो पहले समझ लेते हैं कि आकांक्षा परीक्षा, देखो यहाँ बताया गया है, भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल महाविद्यालयों तथा सिलेट में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु झारखंड सरकार द्वारा आकांक्षा केंद्र संचालित है। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हो आप लोग, तो आकांक्षा क्या है कि आप लोग का एक प्रवेश परीक्षा लिया जाता है, जो कि किस चीज का लिया जाता है, इंजीनियरिंग मेडिकल या सिलेट में, या प्रवेश लेना चाहते हो मतलब 10th के बाद अपना भविष्य आप सुना मतलब करना चाहते हो, कि यदि कोई साइंस में जाना चाहता है तो आप लोग मेडिकल क्षेत्र में, कोई इंजीनियर में जाना चाहता है तो इसमें यदि जाना चाहते हो, ये 3 चीज में ही है, तो आप लोग आकांक्षा का परीक्षा दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है आकांक्षा केंद्र में नामांकन हेतु प्रवेश पत्र का आयोजन जो है आप लोग का परिषद द्वारा किया जाएगा। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों एवं संबंधित प्रधानाध्यापक को सूचित किया जाता है कि आकांक्षा परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा, ठीक है, आवेदन प्रपत्र परीक्षा की इस वेबसाइट, तो ये वेबसाइट से आप लोग का क्या होगा, अप्लाई होगा। यदि मेरे पास डाटा होगा तो मैं अप्लाई करके वीडियो बता दूंगा। तो चैनल पर यदि आप लोग आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा। परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम निम्न रूप से स्थापित किया जाएगा। तो आपको अभी जो आकांक्षा, यदि आप किसी भी क्षेत्र में इंजीनियरिंग मेडिकल या सिलेट में जाना चाहते हो, प्रवेश करना चाहते हो, और ये आकांक्षा जो होता है आप लोग यदि इससे मतलब इसका परीक्षा प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हो तो आपको एकदम निःशुल्क उसमें हो जाता है। तो एक चीज का बहुत ही अच्छा ध्यान है। और ये जो आप लोग का है आकांक्षा ओनली JAC के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, सिर्फ झारखंड के विद्यार्थी जो आप लोग 10th पढ़ रहे हो झारखंड मेडिकल काउंसिल से, वो लोग के लिए, ठीक है, और उधर जो होता है सीबीएसई बोर्ड, वो लोग नहीं कर सकता। तो ये आप लोग ये प्रवेश परीक्षा पास हो जाते हो तो आप लोग निःशुल्क होता है, ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ बताया गया कि आप लोग का फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, देख पा रहे हो 30/11/23 से 23/12/23 तक। यदि मेरे पास कोई डाटा रहा तो मैं वीडियो बना के जरूर बताऊंगा, ठीक है। परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड, देखो आप लोग का एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, 25/1/24 ये बता दिया गया है। परीक्षा की तिथि आप लोग का 3/3/2024 बताया गया है, देख पा रहे हो आप लोग, जो कि आप लोग का देखो 9:45 से 1 बजे के बीच, ठीक है। इसके बाद यहाँ बताया गया है परीक्षा का स्वरूप, आप लोग देख पा रहे हो कि इंजीनियरिंग में देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये बताया गया कि 40-40-40 क्वेश्चन होगा, मार्क्स भी आप लोग का 40, एक क्वेश्चन एक का होगा। इस तरह मेडिकल का बताया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमेट्रिक मैथ ये भी होगा, ठीक है। इसके बाद स्लेट का बताया गया, देख पा रहे हो सबका सेम टू सेम यही है, ठीक है। एक चीज बताया गया है नोट, ये परीक्षा बहुविकल्प प्रश्नों पर आधारित होगी एवं ओमआर सीट पर ली जाएगी, ठीक है, तो यहाँ बताया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। और ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ में आ गया, यदि मेरे पास कोई डाटा हुआ तो मैं आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जब देख पा रहे हो जिस दिन स्टार्ट होगा 30/11/23 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, जो होगा तो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और एक चीज, यदि आप लोग को आकांक्षा को डिटेल से समझना है, इसका क्या फायदा है क्या नहीं, तो यदि आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं अलग से वीडियो ला दूंगा कि आकांक्षा क्या है, इसको करने से क्या फायदा है, ठीक है। यदि आप लोग बोलोगे तो कमेंट्स करोगे तो, ठीक है। ऐसे यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।